हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि अब आपके पास EMRS के लिए टाइम नहीं है, जैसा कि आपने BPSC का जो एग्ज़ाम दिया है, कल 23 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड 25 दिसंबर को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। आप सभी जिसका जिसका नंबर कॉन्फिडेंस है कि आ जाएगा, जैसा कि कल आप सबको पता चल ही जाएगा, तो आप सभी अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए एंड जो भी सेलेक्ट होता है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, जो नहीं सेलेक्ट होता है वो भी अपने आप को निराश ना समझे, फिर से तैयारी शुरू करें। तो दोस्तों, जैसा कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है EMRS के लिए एंड अन्य सभी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एंड अब आप लास्ट में मोस्ट चीज़ें देखते जाइए। एंड दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, बॉल को कैच लेते समय खिलाड़ी हाथों में बॉल को स्पर्श होते ही वह हाथों को बॉल की दिशा में नीचे की तरफ खींचता है, यहां पर मुख्य रूप से न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सब पहचान गए होंगे कौन सा नियम का बात कर रहा है, तो जब कोई किसी वस्तु के एक निश्चित दिशा में संवेग परिवर्तन की दर का उस वस्तु पर लगाए गए बल के प्रतिफल का अनुपात त्वरण कहलाता है। तो यहां पर आपका है दूसरा नियम, तो न्यूटन का द्वितीय नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। दोस्तों, द्वितीय नियम को हम त्वरण का नियम, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, बल के प्रतिफल का नियम, तो यहाँ पे क्वेश्चन BPSC में पूछा था कि इसको क्या क्या कह सकते हैं, तो प्रतिफल का नियम आया था, तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूटन के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? मैं अभी जस्ट बताई हूँ, इसे संवेग का नियम, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, बल के प्रतिफल का नियम आदि नामों से जाना जाता है। एंड प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, जड़ता का नियम, अक्रमण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्सिया, गैलीलियो का नियम कहा जाता है। एंड तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, या लॉ ऑफ काउंटर फोर्स, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन आदि नामों से जाना जाता है। याद रखिएगा, जो तृतीय नियम है, प्रत्येक क्रिया हमेशा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और न्यूटन ने गति के 3 नियमों का प्रकाशन 1687 में किया था। दोस्तों, मैं पिछले वाले वीडियो में 1687 के स्थान पर मेरे मुंह से निकल गया था 1987, तो आप 1987 मत समझिएगा। तो न्यूटन ने गति के नियम को कब प्रकाशित किया था, 3 नियमों को? 1687 में, प्रिंसिपिया पुस्तक में, याद रखिएगा 1687 में, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, MKS प्रणाली का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, MKS प्रणाली का पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाथों को फ्रंटल प्लेन में शरीर से दूर ले जाने को क्या कहलाता है? जैसा कि जो हमारा प्लेन होता है 3 होता है, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। तो जो सेजिटल प्लेन होता है वह शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे होती है, जैसे कि फ्रैक्शन एक्सटेंशन। जो फ्रंटल प्लेन होता है वो शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है और गति जो होती है दाएं बाएं होती है, जैसे एब्डक्शन एडक्शन। और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटती है और इसमें रोटेशनल, एलिवेशन प्रकार के, सर्कमडक्शन प्रकार के गति होती है। तो यहाँ पे फ्रंटल प्लेन में एब्डक्शन एडक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या बोला है, हाथों को फ्रंटल प्लेन में शरीर से दूर,
ले जाने को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, एब्डक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फोरलेक विधि का प्रयोग किसको विकसित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों फोरलेक जो है सहनशीलता को डेवलप करने की विधि है, जो कार्टिरिवस मेथड के चार प्रकार में से आता है। जैसे कॉन्टिन्यूस मेथड के चार प्रकार हैं, स्लो कॉन्टिन्यूस मेथड, फास्ट कॉन्टिन्यूस मेथड, वेरिएबल पेस मेथड एंड फोरलेक मेथड। तो फोरलेक की खोज जो है 1937 में गोस्टा होमलर ने किया था। इंडोरेंस डेवलप करता है यह, ये फोरलेक शब्द है, फोरलेक शब्द जो है वो स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है गतिज खेल यानी स्पीड प्ले। दोस्तों इसमें हार्ट रेट जो है 140 से 180 प्रति मिनट होती है और यह बिना रुके लंबे समय तक अभ्यास को मंद व तीव्र गति से बिना पूर्व नियोजित ढंग से या नॉट प्रॉपर प्लानिंग से किया जाता है, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, सहनशीलता को विकसित करने वाली उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें अभ्यास को उच्च तीव्रता तथा पूर्ण क्षतिपूर्ति के अंतराल पर किया जाता है। तो दोस्तों उच्च तीव्रता और पूर्ण क्षतिपूर्ति की बात कहा है, तो वह होता है आपका कंपटीशन मेथड, रिपीटेशन मेथड। क्या है, पुनः वृत्ति विधि यानी रिपीटेशन मेथड। ठीक है, तो इंडोरेंस को डेवलप करने की चार विधियां हैं, कॉन्टिन्यूस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड एंड कंपटीशन मेथड। तो रिपीटेशन मेथड में क्या होता है कि इसमें उच्च तीव्रता तथा पूर्ण क्षतिपूर्ति दिया जाता है, हाई इंटेंसिटी यानी कंप्लीट रिकवरी मिलता है। जबकि इंटरवल मेथड में क्या होता है कि इसमें इनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है इंटरवल मेथड में, यानी अधूरी क्षतिपूर्ति, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बैलिस्टिक विधि का प्रयोग किसको विकसित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यह फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने की विधि है बैलिस्टिक, स्टैटिक, डायनामिक एंड पीएनएफ मेथड। क्वेश्चन नंबर 8 है, हृदय दर यानी हार्ट रेट मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो आप सबको पता है इस स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं गोनियोमीटर से फ्लेक्सिबिलिटी या ज्वाइंट को मापा जाता है, थर्मामीटर से बुखार का टेम्परेचर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन मनोरंजन का भाग नहीं है। तो दोस्तों खेल कूद है, प्रतियोगिता है, उत्साह वर्धन है बट संघर्ष नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन शारीरिक क्षमता वाली मनोरंजन क्रिया है। तो दोस्तों शतरंज, कैरम, लूडो, इसमें शारीरिक क्षमता ज्यादा नहीं लगती है बट टेबल टेनिस क्या है, शारीरिक क्षमता वाली मनोरंजन क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाली समय का सदुपयोग करने हेतु जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उसे मनोरंजन क्रियाएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां कौन सी हैं। तो सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनियां, ये सभी व्यावसायिक एजेंसियां हैं। जबकि एनसीसी, एनएसएस, ये सब क्या हैं, ये सरकारी एजेंसियां हैं। एंड YMCA, WCA, ये सब क्या हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षण संस्थानों में होने वाले खेल किस प्रकार के मनोरंजन हैं। तो दोस्तों यह संस्था में हो रहा है तो संस्थागत मनोरंजन कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यालयों में मनोरंजन के क्या साधन है। तो दोस्तों विद्यालय में खेल कूद भी होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, साहित्यिक कार्यक्रम भी होता है, तो उपरोक्त सभी आपके विद्यालय में मनोरंजन के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फिजियोथेरेपी नाम
शब्द में थेरेपी से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों फिजियो से तात्पर्य है शारीरिक और थेरेपी से तात्पर्य है चिकित्सा, यानी फिजियोथेरेपी का मतलब है शारीरिक चिकित्सा, तो इसमें फिजियो से मतलब हो गया शारीरिक और थेरेपी से मतलब हो गया चिकित्सा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दौड़ते या खेलते समय अचानक से पेट की निचली मांसपेशियों में तीखा दर्द उठता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं स्टीच, याद रखिएगा। अचानक से पेट के नीचे या डायफ्राम में तीखा दर्द हो तो उसे स्टीच बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डोप परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है? तो मूत्र और रक्त का नमूना लिया जाता है। सबसे पहले मूत्र का यानी यूरिन का लिया जाता है, जब उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होता है तो रक्त का लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि डिसलोकेशन नामक चोट शरीर के किस अंग की चोट है? दोस्तों डिसलोकेशन यानी कि ज्वाइंट जो है वो ज्वाइंट पे जो हड्डियां हैं वह अपने स्थान से खिसक जाती हैं, सबसे ज्यादा जैसे ये हमारे कंधे में होता है, तो यह जोड़ की चोटें हैं। ठीक है, यह जोड़ की चोटें हैं, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फुटबॉल खेल में सबसे अधिक चोट शरीर के किस अंग में लगती है? तो वो टखने में यानी एंकल में लगती है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक खिलाड़ी को लगभग खेल से कितने समय पहले अपना भोजन ले लेना चाहिए? तो 3 घंटा पहले ले लेना चाहिए, जिससे खाना पच गया हो और वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया हो, जिससे खेल का प्रदर्शन अच्छा होगा, क्योंकि तुरंत खा के कभी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पसली की हड्डी टूटकर फेफड़ों में घुस जाए तो यह कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा? तो दोस्तों जब हड्डियां टूटकर मुलायम अंगों में घुस जाती है तो उसे हम कहते हैं जटिल अस्थि फ्रैक्चर या कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, खिलाड़ी एर्गोजेनिक एयर्स यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले साधन के प्रति आकर्षित होता है। एर्गोजेनिक एड्स क्या होता है? ये डोपिंग से थोड़ा भिन्न होता है। डोपिंग मतलब अवैध पदार्थों का उपयोग करके प्रदर्शन को बढ़ाया जाता है, और एर्गोजेनिक एड्स में वही साधन जो हमारी प्रदर्शन क्षमता को एनहेंस करे यानी बढ़ाए उसे एर्गोजेनिक एड्स कहते हैं। जैसे कि यह कोई भी चीज हम किससे आकर्षित होते हैं? तो रेडियो द्वारा, विज्ञापनों द्वारा, टेलीविजन द्वारा, इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपचारकीय रूपात्मकता यानी पुनः स्थापना रिहैबिलिटेशन प्रोसेस खिलाड़ी के लिए सहायक है। तो दोस्तों यह चोटिल अंगों के कार्य क्षमता को पुनः सक्षम करने में सहायक होता है और चोटिल अंगों को पीड़ा को कम करने में। तो यहाँ पे गौ राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, जो कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? चोट लगने के बाद तुरंत आप कोल्ड स्प्रे उसमें उपयोग करते हैं, तो इसमें दोस्तों कोल्ड स्प्रे में मीथेन एंड इथाइल क्लोराइड गैस भरा रहता है। तो ख ग दोनों राइट होगा, ऑप्शन नंबर घ। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से भार वर्ग वाला खेल कौन सा है? तो दोस्तों कुश्ती, बॉक्सिंग, ये क्या है? भार वर्ग वाला खेल है, तो यहाँ पे बॉक्सिंग आप अगर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो आप सबको पता है इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, पहले नियम को। ठीक है, पहले नियम को जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम या अक्रमण्यता का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि निम्न में से जोड़ों की गति कौन सी है? तो जोड़ों की गति कौन है दोस्तों? यहाँ फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है या जॉइंट्स मूवमेंट्स है। एंड क्वेश्चन नंबर 28 है कि हमारे शरीर में अक्ष कितने प्रकार के होते हैं? अक्ष यानी एक्सिस, जैसे कि तल यानी प्लेन, 3 प्रकार के होते हैं, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। सेजिटल जो प्लेन जो होती है शरीर को दाएं बाएं बांटती है, गति आगे पीछे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, जबकि फ्रंटल प्लेन जो है शरीर को आगे पीछे बांटती है और गति दाएं बाएं होता है, जैसे एब्डक्शन एरेक्शन। और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है शरीर को ऊपर नीचे बांटती है, जैसे सभी रोटेशन या इलिवेशन मूवमेंट होता है, जबकि अक्ष यानी एक्सिस जो होता है ये भी 3 होता है, जिसे फ्रंटल एक्सिस, सेजिटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस।
ठीक है। तो इस प्रकार तीन होते हैं एक्सिस आपके और तीन प्लेन भी होती है। फ्रंटल एक्सिस सजिटल प्लेन के लंबवत एंड सजिटल एक्सिस फ्रंटल प्लेन के लंबवत और वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, दूरी बट्टा समय से क्या ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यहाँ पे चाल ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उस बिंदु को क्या कहते हैं जिस पर शरीर किसी वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है, जिसे हम सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट उसको कहा जाता है, सीजी पॉइंट, ठीक है। तो गुरुत्व केंद्र उसको बोला जाता है, जहां पे समस्त वस्तु का समस्त भार कार्य करता है उसको गुरुत्व केंद्र बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसमें शरीर की गति मांसपेशीय विश्लेषण आदि के साथ भौतिक यांत्रिक विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। जैसा कि पढ़ने के साथ साथ आप समझ गए होंगे, गति की भी बात कर रहा है, यंत्र की भी बात कर रहा है, मांसपेशी विश्लेषण की, तो इसमें गति और यंत्र दोनों है, वहां पे जैव यांत्रिकी विज्ञान आपका राइट हो जाएगा, यानी कि बायोमैकेनिक्स, ठीक है। और यहाँ पे पूछा था कि किसकी शाखा है बायोमैकेनिक्स यानी कि जैव यांत्रिकी विज्ञान, तो भौतिकी की शाखा है, याद रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 32 है कि उस योग्यता को क्या कहते हैं जो संकेत मिलने के तुरंत पश्चात प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया करती है। तो दोस्तों उसे हम रिएक्शन एबिलिटी यानी कि प्रतिक्रिया योग्यता कहते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा, जैसे कि हमारा जो स्पीड होता है वह पांच प्रकार का होता है, रिएक्शन एबिलिटी यानी प्रतिक्रिया योग्यता, एक्सीलरेशन एबिलिटी यानी कि त्वरण योग्यता, मोमेंट या स्पीड या वेलोसिटी गति की चाल, एंड चौथा है लोकोमोटर एबिलिटी या प्रचलन योग्यता, और पांचवा है स्पीड इंड्यूरेंस यानी चाल सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, अभ्यास करने के पश्चात निम्नलिखित प्रभाव बढ़ते हैं। तो अभ्यास करते समय तो हमारा हार्ट रेट बहुत हाई हो जाता है 180 तक, और नॉर्मली हमारा हार्ट रेट जो होता है 72 प्रति मिनट होता है, एंड जब हम अभ्यास कर लेते हैं उसके पश्चात जब हम प्रशिक्षित हो जाते हैं उस कंडीशन में हमारा हार्ट रेट जो है वह 40 से 50 प्रति मिनट हो जाती है। तो यहाँ पे जो एक बी वाला ऑप्शन तो राइट नहीं रहेगा, यानी कि अभ्यास करने के पश्चात हमारा हृदय बड़ा और मजबूत हो जाता है, तो ये आपका राइट होगा। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, समुद्र तल से 2000 फीट ऊपर स्थित स्थान पर खिलाड़ी के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी बीपीएससी में आया हुआ था, तो वहां पे ऑक्सीजन का जो है निम्न दबाव होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का दबाव कम होता है, यानी वहां पे ऑक्सीजन कम होता है, इसके कारण आपका ऑक्सीजन कम होता है और दूरी पर गुरुत्वाकर्षण यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण और गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण खिलाड़ी के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता है। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो वहां पे आंसर क्या था, ऑक्सीजन के आंशिक दबाव। क्वेश्चन नंबर 35 है, 5 किलोमीटर साइकिल चलाने से क्या विकसित होगा। तो 5 किलोमीटर आपको पता है कि 45 सेकेंड से लेकर या 10 या 20 सेकेंड या जो भी सेकेंड में काउंट होगा, सेकेंड से 1 मिनट तक की जो भी क्रियाएं होती हैं वो आपके एनएरोबिक क्रियाएं हो जाती हैं, यानी कि स्ट्रेंथ वाली, जबकि 1 से 2 मिनट से ज्यादा की जो भी क्रियाएं होती हैं, ज्यादा समय की क्रियाएं, वो इंड्योरेंस में काउंट होता है। तो 5 किलोमीटर साइकिल चलाने से सहनशीलता डेवलप होगी, क्या डेवलप होगी, सहनशीलता यानी इंड्योरेंस डेवलप होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, √5 का मान क्या होगा। तो √5 का मान 2.23 होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भाले को किस कोण पर फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी तय करे। तो लॉ ऑफ प्रोजेक्टाइल के यानी प्रक्षेपण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु को यदि 45 अंश पर फेंका जाता है तो वह 45 अंश के एंगल पर कोण पर फेंका जाता है तो वह अधिक से अधिक दूरी तय करेगी,
अगर यदि उसके 90 अंश पर फेंका जाता है तो कोई भी दूरी तय नहीं करेगी। तो इस सिद्धांत के अनुसार 45 अंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक व्यक्ति की एक मिनट में श्वास दर औसतन कितनी होती है? तो 12 से 20 बार होती है प्रति मिनट। जब हम एक्सरसाइज या अभ्यास करते हैं उस कंडीशन में 40 से 50 प्रति मिनट हो जाती है श्वास रेट यानी बर्थ रेट, एंड जब हम प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उस कंडीशन में 8 से 10 बार रह जाती है, जिसे आराम से सांस लेते हैं और सहनशीलता अधिक समय तक बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, चिकित्सा शास्त्र में पंचर क्या है? तो दोस्तों पंचर जो है एक प्रकार का घाव है, चार प्रकार के घाव होते हैं, जिसका ट्रिक है पीला, ठीक है, क्या है, PILA, पी से पंचर, आई से इंसीजन, एल से लेसरेशन एंड ए से एब्रेजन। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, गुंबद क्या है? तो एक गुम चोट है, भीतरी चोट है, एक प्रकार का चोट है जिसमें जो है शरीर नीला पड़ जाता है, अचानक से किसी भारी वस्तु से चोट लग जाना। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, डायथर्मी क्या है? तो यह प्रकार का विद्युत चिकित्सा है, यानी एक चिकित्सा विधि है। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों कि कॉर्टिलेज क्या है? तो ये उपास्थि है, यानी मुलायम उत्तक है, क्या है, हड्डी का ही भाग होता है बट यह मुलायम होता है, तो यह एक मुलायम उत्तक है। कार्टिलेज क्या है? एक प्रकार का मुलायम उत्तक है, कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सर्कमडक्शन क्या है? तो दोस्तों सर्कमडक्शन एक प्रकार का जोड़ों की गति है, क्या है, जोड़ों की गति है, सभी रोटेशन एंड एलिवेशन मूवमेंट होता है, तो इसे सर्कमडक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि वार्म अप कब दिया किया जाता है? तो आप सबको पता है वार्म अप जो है खेल से पहले किया जाता है और कूलिंग डाउन खेल के बाद किया जाता है। वार्म अप से हमारा शरीर का तापमान बढ़ जाता है, हमारा शरीर गर्म हो जाता है, हमारी जो मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मंद और तीव्र विधि संबंधित है। तो दोस्तों मंद और तीव्र विधि किससे से रिलेट है? तो यह होता है आपका सहनशीलता से रिलेटेड है, मंद और तीव्र गति, ठीक है, यह सहनशीलता को डेवलप करने की क्या है, विधि है, सहनशीलता के प्रकार है। मंद और तीव्र विधि यानी वेरिएबल पेस मेथड भी इसको कहा जाता है, और इसमें लगातार मंद गति से लंबे समय तक पूर्व नियोजित तरीके से किया जाता है। अब बिना पूर्व नियोजित तरीके से फॉर्ट लेक होता है, पूर्व नियोजित तरीके से आपका वेरिएबल पेस मेथड यानी मंद और तीव्र विधि होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ट्रैक में दौड़ किस दिशा में होती है? तो दोस्तों हमेशा बाई तरफ आप दौड़ते हैं, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज आप घूमते हैं दौड़, ट्रैक पर आप दौड़ रहे हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, याद रखिएगा, यानी बाई तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, हवा का वेग किससे मापा जाता है? दोस्तों तो विंड गेज से हवा का वेग मापा जाता है, और विंड वांड गेज से हवा की दिशा मापा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 49 है, नीचे दिए गए में से कौन सी प्रबंधन पद्धति नहीं है? तो यहाँ पे क्लासिकीय सिद्धांत है, नॉन क्लासिकीय सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत है, बट व्यवस्थित विश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि नीचे दिए गए में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? तो विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन है, प्रत्योजन यानी डिलीगेशन है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन है, बट आपका अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग नहीं है संगठन का सिद्धांत। तो दोस्तों इस प्रकार आपका 50 एमसीक्यू आज के सेशन में, जैसा कि अब आपके पास एक ही दिन टाइम बचा है, तो आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे दोस्तों मैं इसके बाद जो बिहार रियल स्टेट फिर से होने वाला है उसकी मैं पूरी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगी, एंड उसके बाद आपका यूपी में जो भी वैकेंसी यूपी टीजीटी यूपी एलटी ग्रेड एंड अन्य स्टेट की जैसे कि उत्तराखंड एलटी ग्रेड सभी प्रकार की यहाँ पे आपका डेली बेसिस प्रैक्टिस होता है और कराया भी जाएगा, और जो भी टॉपिक अभी छूट गए हैं उन सबको भी मैं क्लियर कराऊंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।